हेलो गाइज, माय नेम इज मोहित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे ट्रैवल मैप एनिमेशन। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसका ट्रैवल एनिमेट कैसे करते हैं, तो बिना किसी देरी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल मैप्स में, और जिस किसी भी लोकेशन को आपको एनिमेट करना है वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैं लास्ट ईयर लद्दाख गया था तो वहीं का मैप मैं यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे कोई भी जगह यूज़ कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप साइड विंडो को क्लोज़ कर दीजिए। और इस वाली विंडो को भी हम इस तरीके से क्लोज कर देंगे। और इसके बाद सिंपली स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको स्निपिंग टूल ओपन करना है, और मोड में विंडो स्निप सिलेक्ट करना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप मैप पे कहीं भी क्लिक करें तो आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप इसको फोटोशॉप में खोल लीजिए, और खोलने के बाद आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है 9020x1080। और न्यू डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आप स्क्रीनशॉट को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए कंट्रोल ए करके। इसके बाद हम इसको थोड़ा रिसाइज कर लेंगे जिससे कि हमारी ऊपर की जो टूल बार है वो हट जाए। और इसके बाद मिरर टूल में जाएंगे जिससे कि हम जितने भी अनवांटेड आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं मैप में वो हट जाए। उसके बाद आपको सभी लेयर को मर्ज करना है कंट्रोल शिफ्ट ई से। और इसको मर्ज करने के बाद हम इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे कंट्रोल जे से। हमें इसकी दो लेयर बनानी है तो हम दो बार कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, और सबसे टॉप वाली लेयर को यहाँ पे हम हाइड कर देंगे क्योंकि हमें सेकंड लेयर पे काम करना है। सेकंड लेयर सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे ब्रश टूल पे, और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे रेड कलर। आप यहाँ चाहे तो कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ रेड कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, आपका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर ब्रश का साइज़ छोटा करके जितना भी आपको रखना है वहाँ एक बार क्लिक करिए, और उसके बाद सिंपली आपको शिफ्ट प्रेस करके अपना पाथ फॉलो करना है इस तरीके से। तो पूरा होने के बाद हमें अपना मैप कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, और इसके बाद हमें जाना है अपनी टॉप लेयर पे जो हमने पहले हाइड करी थी, और उसमें हम जाएंगे रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल पे। तो इस टूल से क्या होगा, इस टूल से होगा ये कि जो भी हमारे रास्ते में टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं उसको ये डीसिलेक्ट कर देगा। जहाँ भी हमने रेड कलर से अपना पाथ अपना क्रिएट किया है, टेक्स्ट के ऊपर हमारा रेड कलर आया है उसको ये डीसिलेक्ट कर देगा। एक टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल दबाए रखिए जिससे कि आप सारे टेक्स्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो सिर्फ एक ही टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। सारे टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट इनवर्स क्लिक करना है। इसे क्लिक करने से आपने जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करे हैं उसका रिवर्स सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट इनवर्स करने के बाद आपको डिलीट का बटन प्रेस करना है।
और सिंपली हमको सबसे पहले टॉप वाली लेयर को सेव करना है। और टॉप वाली लेयर को सेव करने के बाद हमें अपनी दोनों लेयर हाइड करनी है और जो हमारा बैकग्राउंड है सबसे नीचे की लेयर उसको सेव करना है ताकि हमारे पास दो इमेज आ जाएं। और इसके बाद हम आएंगे फिल्मोरा के अंदर, ये दोनों इमेजेस इंपोर्ट करके टाइमलाइन पे लेके आएंगे। टाइमलाइन पे लाने के बाद इनका आप साइज बड़ा कर लीजिए। और सिंपली ट्रांजिशन में जाके इरेज स्लाइड ट्रांजिशन सर्च करेंगे और उसको दोनों इमेजेस के बीच में लगा देंगे। अब ये ट्रांजिशन थोड़ा फास्ट लग रहा है, स्लो करने के लिए हमें इसकी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स भी इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि कोई हॉल्ट आता है और आप वहाँ रुके हैं अपनी ट्रैवल जर्नी में, तो वहाँ पे हमें एक पिक्चर दिखानी है। तो उसके लिए हमें कुछ इमेजेस की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास कुछ अपनी सैम्पल इमेजेस हैं, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। आप अपनी ट्रैवल जर्नी में से कोई भी इमेजेस यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको मैन्युअली रिसाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में इसके स्केल को छोटा कर देंगे। आपको जहाँ जितना भी इमेज का साइज़ रखना है आप रख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसका साइज़ 10 रख रहा हूँ। और यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से शेडो को भी चेंज कर लीजिए। और सिमिलरली हम सारी इमेजेस को ऐसे ही रिसाइज कर देंगे। तो रिसाइज होने के बाद हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अभी ये काफ़ी कूल लग रहा है। तो हमारा सेकंड लास्ट स्टेप यहाँ पर ये है कि हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे छोटा सा लोकेशन एनिमेशन डालना है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है एलिमेंट्स में और आपको सर्च करना है वेब एलिमेंट क्लियर 08 जो कि है लोकेशन एलिमेंट। इसको आप स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे लगा दीजिए।
दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो एलिमेंट है ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए अवेलेबल है, तो हमें इसको पूरा बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा लेयर के ऊपर। इसको पेस्ट करते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग के एक सेकंड पे ड्रॉप एनिमेशन है, तो आप उसको कट कर लीजिएगा। जो क्लिप कट हुई है उसी को पेस्ट करना। तो लास्ट स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आप इतना प्रोसेस नहीं करना चाहते, आपके पास एक छोटा सा स्टेप भी है, आप सिंपली गूगल मैप में जाइए और जहाँ से जहाँ तक भी आपको जाना है वो जगह सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ए टू बी जाने के लिए, तो गूगल मैप आपको खुद ही एक सिलेक्टेड पाथ शो कर देगा, जिससे कि आपको इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले किया था। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर आपको दो स्क्रीनशॉट लेने हैं, जिसमें पहले में आपका पाथ सिलेक्टेड है और दूसरा एक लोकेशन का नॉर्मल स्क्रीनशॉट। आप सिंपली उन दोनों स्क्रीनशॉट्स को फिल्मोरा के अंदर इंपोर्ट कर लीजिए और अपनी टाइमलाइन पे लेके आ जाइए। उसके बाद आपको जाना है इफ़ेक्ट्स में, दोनों इमेज के ऊपर क्रॉप इफ़ेक्ट को डाल दीजिए। दोस्तों यहाँ क्रॉप इफ़ेक्ट यूज़ करने का मतलब है कि हमको दोनों इमेज परफेक्टली क्रॉप चाहिए चारों तरफ से। ज़रा सा भी अगर एक इमेज इधर उधर होती है तो हमारा एनिमेशन अच्छा नहीं दिखेगा। तो फर्स्ट इमेज को आप क्रॉप की प्रॉपर्टी में जाके उसको चारों तरफ से क्रॉप कर लीजिए। और सिमिलरली दूसरे स्क्रीनशॉट को भी ऐसे ही क्रॉप कर लेंगे और दोनों की सेटिंग्स क्रॉप की सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। क्रॉप करने के बाद आपको सिंपली जाना है स्केल में और इसको रिसाइज कर देंगे ताकि ये पूरी विंडो पर आ सके। और यहाँ पर भी हम सेम ट्रांजिशन यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले भी यूज़ किया था, इरेज स्लाइड। और आपको दिखेगा कि ये भी उसी तरीके से नज़र आ रहा है जो कि हमने पहले बनाया था। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको जो भी इमेज में अनवांटेड एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आप उन्हें फोटोशॉप से भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर अपने लास्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब हमारा एनिमेशन बीच रास्ते में आ जाता है वहाँ पर आपको वीडियो में एक कट लगाना है। और फर्स्ट
पोर्शन को सिलेक्ट करना है और जाना है क्रॉप एंड जूम में। क्रॉप एंड जूम में जाने के बाद हम जाएंगे पैन एंड जूम में और यहाँ रेशियो सिलेक्ट करेंगे 16:9। और स्टार्टिंग पोजीशन को सिलेक्ट करके हम अपने फर्स्ट लोकेशन की तरफ नेविगेट कर देंगे जहाँ से भी हमारी जर्नी शुरू हो रही है। और इसके बाद हम जाएंगे अपने सेकंड क्लिप की तरफ और वहाँ भी पैन एंड जूम में जाके रिवर्स बटन को क्लिक करेंगे पहले। और यहाँ पे हमें एंड विंडो को सिलेक्ट करना है और उसको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से नेविगेट करना है। तो इतना करने के बाद हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है मुसाफिर मोहित। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर।